देखिएगा, मैं सिंप्लेक्स मेथड का एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद सिंप्लेक्स मेथड के आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो अपने हाथ से करने ही है, ठीक है। उसके बाद मैं कल जी या परसों जो है वो नया मेथड शुरू कर दूंगा। देखिए, प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज जेड इजिकल टू 3x1 + 5x2 + 4x3, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है मेरे 2x1 + 3x2 < 8, 2x2 + 5x3 < 10, 3x1 + 2x2 + 4x3 < 15, एंड नॉन निगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स है मेरे x1 x2 x3 > 0। ये प्रॉब्लम मेरी मैक्सिमाइजेशन की है। देखिएगा, तीन इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन में लेस देन है, तो मुझे तीन सिलेक्ट वेरिएबल चाहिए, ठीक है। इसमें मैं s1 डाल दूंगा, इसमें मैं s2 डाल दूंगा, इसमें मैं s3 डाल दूंगा, और सिलेक्ट वेरिएबल की कॉस्ट जो होती है हमेशा 0 होती है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमाइज जेड इजिकल टू 3x1 + 5x2 + 4x3 + 0s1 + 0s2 + 0s3। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब सच दैट कंडीशन हो जाती है मेरी, पहली इक्वेशन में आप s1 डाल रहे हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2x1 + 3x2 + s1 = 8। अब दूसरी वाली इक्वेशन में चलिएगा, 2x2 + 5x3 + s2 = 10। तीसरी इक्वेशन में चलिएगा, 3x1 + 2x2 + 4x3 + सिलेक्ट वेरिएबल आ गया s3 और इजिकल टू हो गया 15, एंड कंडीशन बन जाएंगी कॉन्स्टेंट्स के लिए x1 x2 x3 s1 s2 s3 > 0, ठीक है ना। अब पहली सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं। पहली सिंपलेक्स टेबल के लिए रूल बताया गया था कि जो आपके बेसिक वेरिएबल होंगे, बेसिक वेरिएबल में सबसे पहले टेबल में सिलेक्ट वेरिएबल आएंगे। सिलेक्ट वेरिएबल पहली इक्वेशन में s1 है, दूसरी में s2 है, तीसरी में s3 है। ये सिलेक्ट वेरिएबल डाल देता हूँ मैं, ये मेरे सिलेक्ट वेरिएबल हो जाते हैं, ये मेरा s1 हो जाता है, ये मेरा s2 हो जाता है, और यहाँ मेरा s3 हो जाता है। यहाँ मेरे इनके पैसे हो जाएंगे कॉस्ट 0 0 0। अब देखिएगा, तीन वेरिएबल है मेरे, ठीक है ना, तीन वेरिएबल है x1 x2 x3, तो इनके कॉलम हो गए, और तीन मेरे सिलेक्ट वेरिएबल हैं कैपिटल लेटर में, इनके कॉलम हो गए। इनके पैसे देख लीजिएगा यहाँ पर आकर के, x1 की कॉस्ट है 3, फिर है 5, फिर है 4, सिलेक्ट वेरिएबल की कॉस्ट हो गई 0 0 0। यहाँ पर देखिएगा, सिलेक्ट वेरिएबल की कॉस्ट हो गई, x भी हमारी समीकरण की इक्वेशन है, राइट हैंड साइड है, यहाँ 8 हो गया s1 वाली में, यहाँ हो गया 10 और यहाँ हो गया 15। अब इक्वेशन तैयार करिएगा s1 वाली में, देखिएगा अब कोएफिशिएंट उतारने शुरू करते हैं। x1 में 2 3 0 1 0 0, दूसरी वाली में चलिएगा 10 वाली में, यहाँ हो जाएगा x1 नहीं है 0 2 5 0 1 0। अब यहाँ चलिएगा 3 2 4 0 0 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, CJ - ZJ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। CV वालों की कॉलम की मल्टीप्लाई X वाले कॉलम से हमें करनी पड़ती है, ठीक है ना, इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर CV के सारे कॉलम में क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो ZJ की वैल्यू 0 हो जाएगी। CJ में से आपको ZJ माइनस करना होता है, ठीक है ना, तो CJ में से ZJ आपको माइनस करना होता है। तो पहली वाली टेबल में जितने भी नंबर हैं वो ऊपर वाले नीचे उतार दिया करिएगा। ये 3 हो जाता है, 5 हो जाता है, 4 हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना। ये वाले नंबर नीचे ऐसे कैसे आ जाते हैं। अब इसमें से आपको सबसे बड़ा देखना होता है, सबसे बड़ा होता है आपका 5, ये आपका इनकमिंग वेक्टर है, ठीक है। एरो अंदर की तरफ को लगा देते हैं, आप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे दो सवाल में पीछे लिख रहा था, एरो अगर ना आपने अंदर की तरफ लगा दिया जाए तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि इनकमिंग वेक्टर है। इनकमिंग वेक्टर आपका x2 है, ठीक है। अब xb को डिवाइड करना होगा इनकमिंग वेक्टर x2 से, चलिएगा डिवाइड करते हैं। 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, 8/3 हो जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा।
15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2। ध्यान रखना डेसिमल नहीं लाना है, और कॉलम में अगर कहीं माइनस हो जाता है तो आप डिवाइड नहीं करेंगे, जीरो से भी डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक है, अब ये मिनिमम रेशियो वाला कॉलम है, मिनिमम रेशियो सबसे छोटा देख लीजिएगा, 8/3 सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, 8/3 सबसे छोटा हो जाएगा, इस पर एरो बाहर को लगा देंगे। अब इसके वेरिएबल के सामने इधर जाइएगा, इस रो में यहाँ वेरिएबल पड़ा है S1, ये S1 वाला कॉलम है, ये मेरा हो जाएगा आउटगोइंग वेक्टर। ठीक है, अब ये मेरा इनकमिंग वेक्टर है और ये मेरा आउटगोइंग वेक्टर है, दोनों का इंटरसेक्शन एलिमेंट है 3। ठीक है, अब क्या है हमारा जो की एलिमेंट है वो 3 है। अब रूल क्या है, जहाँ पर की एलिमेंट होगा वो 1 बनेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ 1 बनाया जाएगा और इसकी हेल्प से यहाँ और यहाँ दोनों 0 बन जाएंगे। तो ऑपरेशन हमारे कैसे लगेंगे, यानी कि मैं लगाऊंगा R1 न्यू इज इक्वल टू, तो नई R1 कैसे बन रही है, ये बन रही है R1 ओल्ड अपॉन 3। ठीक है ना, 3। अब इस पहली वाली रो में तो की एलिमेंट 3 है ना, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, वो वैल्यू 1 बन जाती है। ठीक, अब यहाँ तो 1 बन चुका होगा, अब इन दो जगह क्या बनाना है मुझे, 0 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इन्हें माइनस कर देते हैं। तो ऑपरेशन बनेगा मेरा R2 न्यू इज इक्वल टू R2 ओल्ड माइनस 2R1 न्यू, ये ऑपरेशन बन जाएगा। और R3 का क्या बनेगा देखिएगा, R3 न्यू, नई वाली R3 लेने जा रहा हूँ मैं, कैसा आएगी, R3 ओल्ड उठाएंगे, R3 ओल्ड और माइनस इसमें कर देंगे 2R1 न्यू। ठीक है ना, अब देखिएगा, अब ये हमारे ऑपरेशन लगने जा रहे हैं। अब अगले ऑपरेशन के बाद अगली टेबल पर चलते हैं हम, अब अगली टेबल पर चलने जा रहे हैं हम। अब देखिएगा अगली टेबल बनाने शुरू करते हैं। पिछली वाली टेबल में हमारा इनकमिंग वेक्टर कौन था, X2, और आउटगोइंग वेक्टर था S1। S1 हट जाएगा, X1 की जगह आ जाएगा X2, यहाँ वेरिएबल X2 हो जाएगा, S2 ऐसे कैसे ही रहेगा, S3 भी ऐसा कैसे ही रहेगा। ठीक है, पैसे देख लीजिएगा, पैसे की टेबल यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3, 5, 4, 0, 0, 0। ठीक है ना, अब CB X2 के पैसे देखिएगा, 5 रुपये हैं, यहाँ 5, सिलेक्ट वेरिएबल पैसे 0 और 0। अब यहाँ किससे डिवाइड कर रहे थे आप, पीछे वाली पंक्ति में 3 से डिवाइड कर देते हैं, 8/3 बन जाता है, 2/3 बन जाता है, 1 है, 0 है, 1/3 है, 0 है और 0 है। ठीक है ना, अब ऑपरेशन लगाना शुरू करते हैं। अब R2, ये ऑपरेशन लगाने वाले हैं, R2 न्यू इज इक्वल टू R2 ओल्ड माइनस का 2R1 न्यू, इन्हें घटा करके धीरे धीरे लिखना है, ध्यान से रखना है कैलकुलेशन में, ध्यान से रखना है कैलकुलेशन रफ़र करनी है, फेयर कैलकुलेशन नहीं करनी है, मुँह जवानी कैलकुलेशन नहीं करनी है, फेयर रफ़र कैलकुलेशन करनी है। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा यहाँ पर 14/3, 14/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4/3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस का 2/3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ तीसरी वाली में 15 पड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो जाता है 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 29/3, ये 29/3 हो जाता है। ठीक है, अब ये ऑपरेशन लगाने शुरू करता हूँ मैं, यहाँ 5/3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये माइनस का 2/3 हो जाएगा, ये 1 सॉरी यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर उसी ऑपरेशन को दोबारा करते हैं, देखिएगा CV वाले कॉलम की XV वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 की मल्टीप्लाई 2/3 से करोगे, 5 की मल्टीप्लाई 2/3 से करोगे तो 10/3 हो जाएगा, 3 में से जब 10/3 घटाएंगे तो 9 - 10 यानी कि माइनस का 1/3 हो जाएगा। यह आइडेंटिटी का कॉलम है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ दोनों जगह 0 है, 4 में से घटाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 5/3 है, 0 में से 5/3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5/3 हो जाएगा। आइडेंटिटी का कॉलम है 0, यहाँ आइडेंटिटी का कॉलम है 0 है। अब इसमें से देखिएगा दो तो माइनस आ चुके हैं ना, अब देखिएगा ये जेड है, अभी ये पॉजिटिव लेवल पर पड़ा हुआ है, ये मेरा इनकमिंग वैक्टर हो जाएगा, इनकमिंग वैक्टर है मेरा X3, तो मिनिमम रेशियो हो जाएगा XV/X3। ठीक है ना, अब यहाँ से डिवाइड करेंगे, अब XV वाले कॉलम को X3 से डिवाइड करेंगे, 8/3 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते,
क्योंकि इनफाइनाइट बनता है, वो ब्लैंक में चला जाएगा। 14/3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 14/15 हो जाएगा, और 29/3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 29/12। अब देखिएगा इसमें से 12 × 24 टू पॉइंट समथिंग है, लेकिन ये 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू है, तो ये मेरा आउटगोइंग हो गया। इस आउटगोइंग वेरिएबल के सामने कौन है, मेरा S2 है, तो S2 वाली कॉलम देखिएगा, ये है, ये मेरा आउटगोइंग वेक्टर है, ये मेरा इनकमिंग का एरो है और ये मेरा आउटगोइंग का एरो है, ठीक है। और ये दोनों मेरे इंटरसेक्ट करते हैं 5 पर, ठीक। अब कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, 5 पर। अब 5 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मुझे 5 वाले एलिमेंट की जगह 1 बनाना पड़ेगा ऊपर, और इसकी हेल्प से, ये ध्यान रखना, इसकी हेल्प से डिवाइड करने के बाद जो 1 बनेगा उसकी हेल्प से ऊपर और नीचे वाले को 0 बनाना होगा। तो देखिएगा ऊपर तो 0 है लेकिन नीचे 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा देंगे, तो यानी कि मेरे R1 में तो मेरी कोई चेंज नहीं होगा। तो मेरी सबसे पहले ऑपरेशन मेरा लगेगा R2 new इज इक्वल टू R2 old अपॉन 5 कर देंगे, ठीक है। और फिर इसका ऑपरेशन लगाते हैं R3 का, अब 4 पड़ा हुआ है वहाँ, तो R3 new इज इक्वल टू बनेगा R3 old माइनस 4 R2 new, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, ठीक है ना। अब बाकी की 2 टेबल मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इतनी वीडियो कन्वर्ट होने में टाइम लेती है। जब हमारे ऑपरेशन लग जाते हैं तो ये हमारी नई टेबल आ जाती है। अब ये देखिएगा, नया वेरिएबल हमारा X3 आ चुका है, और जो पीछे वाले ऑपरेशन है उन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जो है हम नई टेबल बना चुके हैं। ये नई टेबल बन गया है। अब हम CJ - ZJ करेंगे। अब देखिएगा, यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई 2/3 से करेंगे, this into this plus this into this, और उसे फिर 3 में से माइनस कर देंगे, है ना। थोड़ा रफली दिखा देता हूँ मैं एक बार, और आप 5 की मल्टीप्लाई जो है 2/3 से करेंगे तो ये होगा आपका 10/3 हो जाएगा, और यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 16/15 हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो 3×5=15 50 हो जाता है, 50 में से 16 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 34/15। अब इस 34/15 जो वैल्यू आई है इसे 3 में से घटाना होगा, तो 3 - 34/15 तो 15 × 45 45, और 45 में से 34 घटेंगे तो ये आ जाएगा 11/15। तो यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा 11/15, है ना। तो ये 11/15 आ गया है। ध्यान रखना है, कैलकुलेशन आपको रफली करनी है सारी की सारी। तो यहाँ पर 11/15 आ चुका है। ये आइडेंटिटी का कॉलम है, तो आइडेंटिटी के कॉलम के नीचे हमेशा 0 आता है। ये आइडेंटिटी का कॉलम है, यहाँ हमेशा 0 आता है। ये आइडेंटिटी का कॉलम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो इसके नीचे हमेशा 0 आता है। तो कम से कम जितने आपके आइडेंटिटी के कॉलम होंगे उन आइडेंटिटी के कॉलम के अकॉर्डिंग जो है आपको ये तो हो जाएगा कि वहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिएगा, अब यहाँ देखते हैं आइडेंटिटी में है, 5 की मल्टीप्लाई 1/3 से करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई -2/15 से करेंगे और उसे 0 में से घटा देंगे, तो ये आ जाता है आपका कैलकुलेशन करके माइनस का 17/15 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 4/5। अब ये देखिएगा, 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। निगेटिव वालों से तो निगेटिव तो हमें अपने आंसर में चाहिए होते हैं, तो हमें देखना है 11/15 को। ये हमारा पॉजिटिव लेवल है, ये पॉजिटिव लेवल पर हमारा इनकमिंग वेक्टर आ जाता है ना। तो पॉजिटिव लेवल पर जब हमारा इनकमिंग वेक्टर आ जाएगा तो इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा हमारा X1। अब इनकमिंग वेक्टर हमारा X1 हो चुका है, तो हमें XB को डिवाइड करना पड़ेगा X1 से मिनिमम रेशियो निकालने के लिए। अब XB को X1 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कटेगा, 2 × 8 हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव से हम डिवाइड नहीं करते हैं, है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा। नेगेटिव से आपको डिवाइड करने का प्रतिबंध है, यानी कि आप जब मिनिमम रेशियो निकालने जाएंगे तो नेगेटिव से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप 0 से डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 89/15 को डिवाइड कर रहे हैं 41/15 से, तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो 15 तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 89/41।
अब देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पर 89 अपॉन 41 आपका आ चुका है ना। तो 89 40 दूनी 80 होते हैं, तो ये आपकी इन तीनों, ये तो बेकार हो गया, ये इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू आपके पास ये है, तो ये हो जाएगा आपका आउटगोइंग वेक्टर। एरो बाहर लगा देंगे। अब आउटगोइंग वेक्टर के सामने देखिएगा S3 है, S3 आपका बाहर जा रहा है ना। S3 वाला जो कॉलम है आपका चला जाएगा और इनकमिंग में आने वाला है आपका X1। तो यहाँ X1 आ जाए, यानी कि जब हम अगली टेबल बनाने जाएंगे तो X2 वाला वेरिएबल रहेगा, यहाँ X3 वाला वेरिएबल रहेगा और यहाँ S3 वाला वेरिएबल हट करके बेसिक वेरिएबल आ जाएगा आपका X1। अब X1 आपका बेसिक वेरिएबल बन गया है, यहाँ पर इसकी कॉस्ट आ जाएगी, X2 की कॉस्ट है 5, X3 की कॉस्ट है 4 और X1 की कॉस्ट है यहाँ पर 3 रुपये, ठीक है ना। अब आपका रूल क्या होता है, अब यहाँ पर ये आपका इनकमिंग वेक्टर है, इधर से आपका आउटगोइंग वेक्टर हो रहा है, तो इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि 41/15, ये 41/15 आपका की एलिमेंट है ना, ये 41/15 आपका की एलिमेंट है। तो इस की एलिमेंट की जगह आपको पता है कि 1 बनाना होता है और इसकी हेल्प से ऊपर और नीचे को 0 बनाना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ऑपरेशन लगाने वाले हैं R3 new, नई वाली जो R1 बनेगी वो कैसे बनेगी, R3 old, जो पुराने वाली R3 old है। अब यहाँ इसे 41/15 है तो इसे गुणा कर देंगे 15/41 से, 41 से 41 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 89/41 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 1 बन जाएगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा और यहाँ हो जाएगा माइनस का 15 कट जाएगा तो 2/41 हो जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस के 12/41 और यहाँ पर आपका 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15/41। ये तीसरी R3 जो है आपकी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इस अब मान लीजिएगा R1 को मैं चेंज करने जा रहा हूँ, तो अब मैं लिखूँगा R1 new, नई वाली R1 आप कैसे बनाएंगे, R1 old, पुरानी वाली R1 old है ना, और माइनस अब यहाँ क्या है 2/3 और नई वाली R3 उठा देंगे है R3 new, तो यानी कि नई वाली R3 ये वाली जो R3 है इसे 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और पुरानी वाली R3 में से घटा देंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 50/41 मिलेगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15/41, यहाँ हो जाएगा 8/41 और यहाँ हो जाएगा माइनस के 10/41। अब R2 का नंबर लगाते हैं, देखिएगा R2 new इजिकल टू R2 old हो जाएगी। अब यहाँ पर 1 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है, अब माइनस है तो R2 old और यहाँ प्लस 4/15 R3 new, यानी कि नई वाली R3 में 4/15 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इस वाली में जोड़ दीजिएगा तो सीधे सीधे 0 बन जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा 62/41 और ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 6/41, यहाँ 5/41 और यहाँ हो जाएगा आपका 4/41, ये 4/41 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर कैलकुलेशन फिर करने चलते हैं, ये आइडेंटिटी का कॉलम है तो यहाँ नीचे 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, फिक्स हो जाएगा यहाँ। अब देखिएगा यहाँ भी 41 है, यहाँ भी 41 है, यहाँ भी 41 है, 15 हो जाएंगे 75, माइनस के 4 छंग हो जाएंगे 24 और माइनस 3 दूनी हो जाएंगे 6, 24 और 6 को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, 4 छंग 24 और 6, 24 और 6 को जोड़ेंगे तो 30 और जबकि ऊपर कितना था 75, 75 में से 30 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 45, 0 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा -45/41, उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 24/41 और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस के 11/41, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से आपके सारे वैल्यू आ चुकी हैं, तो यहाँ पर मिल चुका है आपको CJ-ZJ < 0, सॉल्यूशन
इज ऑप्टिमल। अब आंसर लिख देते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, यहाँ से देख लीजिएगा, एक्स वन इज इक्वल टू 89/41, एक्स टू देख लीजिएगा, एक्स टू इज इक्वल टू है 50/41, एक्स थ्री इज इक्वल टू हो जाता है 62/41। एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन आ चुके हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन हम निकालने जा रहे थे ऑप्टिमल का, तो मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x1+5x2+4x3, तो ये हो जाएगा 3×9=27 और 3×8=24 और 2×26=41 प्लस यहाँ 250/41 हो जाएगा और प्लस 4×2=8, 4×6=24/41 और इनका जब टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 8×7=15, 7×7=65/41 और आपका आंसर जो है यहाँ से तैयार हो जाता है। इस प्रकार से इस सिंप्लेक्स मेथड के क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा।